सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए दस्तावेजों के आधार पर आपको बता दें कि राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार किए जाने को चौकीदार चौर है के रूप में पेश करने से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की भी याचिका दायर कर दी है।